मैं तुम्हें चैनल 0522 ब्लॉग गुड मॉर्निंग कैसे हैं सब कमेंट में बताना। गुड मॉर्निंग क्योंकि सुबह के 7:30 बज रहे हैं। वैसे मैं और भी जल्दी उठी थी तो मैंने जैसे आपको कहा था कि मुझे कहीं जाना है तो चलते हैं और मिलते हैं आपको। कहाँ जा रहे हैं हम? वैसे आज मेरा शूट है तो मैं शूट के लिए जा रही हूँ और आयुष की आँखों में प्रॉब्लम हो गई, जैसे कि आई फ्लू चल रहा है आपको पता है, तो वो लेटा हुआ है। आज मैं अकेले ही जा रही हूँ तो चलिए आपको भी ले चलते हैं। ओके, मम्मी घर पे हैं और काफ़ी दूर जाना है तो ये चलते हैं। भैंस जो कि मैं आपको छत से दिखाती हूँ ना कि ये हमारा बंदा है, तो ये हमारा बंदा रोड है और यहाँ पे ये शॉर्टकट है, यहाँ पे लोग शॉर्टकट लेके चलते हैं और इधर वो तालाब भी है, इधर भैंसियाँ नहाती हैं और इधर रहती हैं। अकेले पैदल चलती हुई लड़की, डरती नहीं हुई किसी से, डरने की बात ही क्या है। ओ माय गॉड यार, लेकिन थक गई मैं। चलो चलते हैं, टैक्सी पे बैठते हैं, उसके बाद आपको मिलते हैं। ओके भाई, घर से बालागंज से बात करूँ, बाईपास से आए हैं। हम लोग पहुँच चुके हैं, मतलब कानपुर बाईपास पहुँच चुके हैं, अब यहाँ से जाएंगे आलमबाग। देर हो रही है, काफ़ी देर से वेट कर रही है मेरा। आज मेरा मेकअप शूट है तो लोकेशन पे आ चुके हैं और मिलाते हैं अपनी मेकअप आर्टिस्ट से। ठीक है, हम लोग आ चुके हैं अपनी लोकेशन पे और ये हमारी मेकअप आर्टिस्ट तनु जी और ये इनकी फ्रेंड, क्या नाम है, काजल जी। तो चलिए गाइज, आज मेकओवर करते हैं और आपको कुछ नया दिखाते हैं, कुछ लुक चेंज दिखाते हैं। कोई बात नहीं, मैंने सोचा नहीं था कभी लेंस डालूंगी, मैं कभी नहीं डालूंगी। मैंने यही सोचा था, मम्मी लोगों को देखते हुए आंसू निकलते हुए, मैं कभी लेंस नहीं डालूंगी, लेकिन आज डाल लिए। कैसा लग रहा है कमेंट में बता देना, ठीक है। आंसू निकल आए आज। मेकअप चल रहा है, आधा मेकअप हो चुका है, आधा होने के बाद आपको मिलेंगे। आप ज़रूर बताना कमेंट में कि मैं कैसी लग रही हूँ और लेंस अच्छी लग रहा है। ऑलमोस्ट मतलब हाफ मेकअप डन हो गया है, हाफ बाकी है, मतलब हेयर बाकी है। अब आप कमेंट में ये मत कहना कि मेकअप अच्छा नहीं लग रहा, मुझे तो अच्छा लग रहा है। देखो कितने निकल रहे हैं, एक तरफ मेकअप चल रहा है, एक तरफ आंसू निकल रहे हैं, पता नहीं क्यों निकल रहे हैं, जबकि सब कुछ ठीक है, पता नहीं क्यों आंसू आ रहे हैं। चलो हेयर चल रहा है मेरा, हेयर मेकअप चल रहा है और मेकअप बहुत अच्छा किया है। फाइनल लुक आपको देखने मिलेगा इंस्टा पर भी और इस पर भी मिलेगा, तो आप बताना कैसी लग रही है। लेंस तो मुझे बहुत अच्छी लग रही है, पता नहीं आंसू क्यों निकल। गाइस कैसी लग रही हूँ मैं? बहुत अच्छी लग रही हूँ, मुझे तो बहुत मेकअप अच्छा लग रहा था, मुझे बहुत अच्छा मेकअप किया आपने, बहुत बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा है। और आप लोग बताना कैसा लग रहा है कमेंट में। अब हम आपको मिलते हैं कुछ वीडियो शूट करने के बाद। ओके, कोई दिक्कत। सो गाइस 12:30 बज रहा है और शूट करना इतनी गर्मी में बहुत मुश्किल है, मेकअप भी हट जाएगा। सो गाइज ये क्या नाम बताया था आपने, मैं नाम ही काजल जी ने मेरा फ़ोटो शूट किया है, बहुत अच्छा किया है। ये आपको इंस्टा पे देखने मिलेगा, तो आप ज़रूर इंस्टा चेकअप करना, ठीक है। सो गाइज कैसा लग रहा है मेरा ओवरऑल लुक, आप ज़रूर कमेंट में बताना मुझे, मुझे तो बहुत प्यारा लग रहा है, आप कमेंट में बताना। तुम कहाँ चप्पलें छोड़ी जा रही हो? मेरे वीडियो शूट हो गए और पसीना आप देख सकते हो, मुझे इस चीज़ की बहुत प्रॉब्लम है, बहुत टफ तरीके से मैंने वीडियो शूट किए हैं। आप लोग प्लीज़ अपना प्यार ज़रूर मुझे देना और मैं बहुत सुंदर लग रही हूँ ना। ऑफ कोर्स मेकअप इतना प्यारा जो हुआ था, आप इनको ज़रूर कांटेक्ट करना गाइस, बहुत अच्छा मेकअप किया है। मैं पर्सनली बहुत खुश हूँ क्योंकि मुझे बहुत जल्दी मेकअप पसंद नहीं आता है, अपने स्किन टोन का जब मेकअप होता तभी मुझे अच्छा लगता है और ये मेकअप मुझे बहुत अच्छा लगा। और हाँ, पहली बार लेंस डालने की
जो मेरी ख्वाहिश थी वो पूरी हो गई और थोड़ा सा दर्द हुआ बट ठीक है। और लहंगा ज्वेलरी सब इन्हीं का था, बहुत प्यारा था, मतलब ऐसे तो बहुत अच्छा लग रहा है, ऐसे जब देख रही सामने से तो बहुत प्यारा लग रहा है। बस यही पसीने वाली प्रॉब्लम ना होती तो मैं वीडियो शूट कर लेती, बट अब चलो चलते हैं, बहुत अच्छा शूट किया। हमारा शूट हो चुका है और अब हम जा रहे घर। बाय बाय, नेक्स्ट टाइम मिलते हैं बहुत जल्द, ठीक है। मैं वापस आ गई थी, बहुत बहुत ज़्यादा गर्मी मुझे लग रही थी और उसके बाद आते ही मैंने खाना खाया क्योंकि मुझे भूख भी लगी थी। मैं सुबह से निकली थी, सुबह 7:30 बजे निकली थी और बस अब बैठी हूँ रूम में, थोड़ी देर एसी चला के क्योंकि गर्मी बहुत लग रही थी ना इसीलिए। सो गाइस, आपको मेकअप कैसा लगा आप ज़रूर बताना, ठीक है। और पता नहीं क्यों आप लोग ऐसे रिएक्ट कर रहे हो, मुझे नहीं समझ में आ रहा है। आप सपोर्ट करने की जगह मुझे नेगेटिव वे में मुझे ले रहे हो। हाँ, आप कह रहे हो कि मुझे डर लगा है कि आपको क्या बोलूँ, आप क्या नेगेटिव में ले लो। अब तो मुझे लग रहा है कि मैं क्या बोलूँ, मैं खुल के बोलती हूँ तो आप लोगों को बुरा लग रहा है या नेगेटिव वे में आप लेने लगे हो, मैं नहीं ले रही, ठीक है। तो मैं यही कहूँगी, हाँ मैं सीखूँगी एडिटिंग, मैंने व्लॉग्स देखे हैं, बहुत लोगों के व्लॉग्स देखे हैं। हाँ, थोड़ा बहुत म्यूज़िक वगैरह या थोड़ा बहुत एडिट करते, अगर मैं सारी एडिटिंग ही कर दूँगी तो मैं अपनी रियलिटी खो दूँगी। एडिटिंग बहुत बड़े बड़े इन्फ्लुएंसर्स करते होंगे, बट नॉर्मल व्लॉग्स शिवानी कुमारी के हो गए या वैसे, मैंने एडिटिंग तो नहीं देखी है। मैंने जितने लोगों के अक्सर ब्लॉग शूट किए देखे हैं तो इतनी एडिटिंग तो नहीं देखी है। बट आप चाहते हो कि मैं एडिटिंग करूं तो चलो ठीक है, मैं वो भी सीख लूँगी, ठीक है। और ठीक है, आपको सपोर्ट करना है करो, नहीं पसंद आ रहा तो कुछ कर भी नहीं सकती मैं। मैंने अपनी तरफ से जितनी कोशिश करनी है मैं करूँगी। और आप कह रहे हो कि डेली देखते देखते लोग बोर हो जाएंगे, डेली मतलब ऐसा मैं ऐसा भी क्या कर दूँ नया कि आपके हिसाब से क्या कर दूँ मैं, आपको तो मेरी सिचुएशन कहानी सब कुछ पता है, तो फिर मैं क्या कर दूँ ऐसा कि आप बोर ना हो। होप सो आप मुझे समझेंगे और आप मुझे सपोर्ट करेंगे। और मैं किसी को अपना हेटर नहीं समझती, ना ही किसी का नेगेटिव वे में ले रही, जिसको लेना था उसको लेती हूँ और मैं किसी को नेगेटिव वे में लेती नहीं, पॉजिटिव ही लेती। ओके गाइस, मैं थोड़ी देर में मिलती हूँ क्योंकि मैं बहुत थक गई हूँ, आराम करने के बाद मिलूँगी। ओके, हम आ गए अपने किचन में और मम्मी जा रही मटरी बनाने के लिए आज। अब ये आटा वाटा तो लगा चुकी है, हम आपको क्या दिखाएं रेसिपी, पर बहुत अच्छी मटरी बनाएंगी मम्मी, गर्मी में बनाने जा रही है। मुझे तो भैया पैरों में बहुत दर्द हो रही है आज, मम्मी जब रहती घर की तरह अच्छा लगता है ना, साफ साफ, हम भी साफ रखते हैं, ऐसा नहीं है। गाइस, भगवान बरसा रहे हैं पानी थोड़ा थोड़ा सा, इनके भी अलग ही नखरे हैं, हम लोगों के नखरे हों चलो ठीक है, लेकिन इनके अलग ही नखरे, एकदम बूंद बूंद। और मम्मी जब बनाने जा रही मटरी, और कृपया कर नेगेटिव कमेंट ना करेंगे हमारे इस व्लॉग पे, क्योंकि आप सब जानते हैं स्किन और फेस का, हाथों का मेकअप नहीं किया जा सकता, हाथों पे थोड़ा बहुत बस किया जा सकता है, ये हो सकता है कि स्किन टोन से मैच किया जाए, और मेरी स्किन टोन से बिल्कुल परफेक्ट मैच ये मेकअप है, मुझे बहुत पसंद आया है। और जिन्होंने मेकअप किया उन्होंने बहुत अच्छा मेकअप किया है, तो मैं हमेशा ही कहूँगी जिनका मेकअप अच्छा होता है तो मैं अच्छा ही बोलूँगी, क्यों किसी को बुरा बोलूँगी, अच्छा लग रहा है। अच्छा, वेलकम टू किचन। आज मेरा चेहरा थोड़ा अजीब लग रहा है, मैंने मेकअप धो दिया, पता नहीं क्यों लग रहा है ऐसा अजीब, सही से धुला नहीं है शायद, साबुन से धुला था फिर भी नहीं धुला। तो बनाई जा रही सोयाबीन आलू की सब्ज़ी और रोटी, खाना बना रहे थे, बहुत तेज़ भूख लग रही है, उसके बाद आपको मिलते हैं, ठीक है। सब्जी बन चुकी, सब्जी रोटी, आज सोयाबीन ज़्यादा दिख रही है सब्जी में। चलिए गाइस खाना खाते हैं, आप लोग भी आके खा सकते हो, बहुत ज़्यादा थक गए हैं तो कुछ समझ नहीं। सो गाइस, खाना पीना हो गया और हम सोने जा रहे हैं, तो इसी जगह पर व्लॉग को एंड करेंगे। तो अगर वीडियो पसंद आता है तो लाइक कमेंट शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और मिलते हैं कल एक नए व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, गुड नाइट, जय बाबा।